सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। इसके अंदर भी स्पोर्ट्स क्या बोलता है फुटबॉल से रिमूव तो शुरू करता है वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते उड़ीसा एफसी के बारे में। एंड लिटरली उड़ीसा एफसी करेली ट्रांसफर मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ट्रांसफर मार्केट में। एंड उड़ीसा एफसी ने साइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है इगोर एंगुलो का, एंड ये खुद टाइम्स ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है, बेसिकली मार्केट सर ने कंफर्म किया है। एंड एक हफ्ता लगेगा इगोर एंगुलो का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए। एंड अभी तक तो हर चीज बहुत ज्यादा सही जा रहा है उड़ीसा एफसी के लिए। एंड हाँ, चेन्नई एफसी ने भी ऑफर किया था इगोर एंगुलो को, बट इगोर एंगुलो ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड उड़ीसा एफसी करेंटली बहुत ही ज्यादा कमाल के साइनिंग कंप्लीट कर रहे। इगोर एंगुलो, जावी हर्नांडिस का साइनिंग ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा जावी हर्नांडिस का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एक अलग मैटर है जो कि मैं कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगेन, एक बहुत ही कमाल का रिप्लेसमेंट इगोर एंगुलो इन प्लेस ऑफ डिएगो मौरिसियो। मैं मानता हूं डिएगो मौरिसियो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, बट करेंटली वो कतार में जा चुके। एंड इगोर एंगुलो परफेक्ट साइनिंग। एंड यहां पे उड़ीसा एफसी में एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है जो कि है D7 फैक्टर, बेसिकली डेविड विला का बात कर रहा हूं मैं। एंड डेविड विला एक इतने बड़े पर्सनैलिटी है कि वो प्लेयर्स को बहुत ही इजीली कन्विंस कर रहे हैं। एक लालीगा के स्ट्राइकर एंड विंगर, आप दोनों ही बोल सकते हो, लालीगा में उनका खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। एंड इगोर एंगुलो का साइनिंग वो कंप्लीट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से एक हफ्ते के अंदर ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का टीम बना है उड़ीसा एफसी फॉर द नेक्स्ट सीजन। एंड उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा एफसी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट सीजन में अच्छा हो। सुरक्षित तौर पर एएफसी कप की तरफ से तो एक और बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव न्यूज इंडियन फैंस के लिए, तो एएफसी कप होगा एंड एटीके मोहन बगान एंड बेंगलुरु एफसी में पार्टिसिपेट डेफिनेटली करेंगे। एंड अभी तक तो हर चीज बहुत ज्यादा सही चल रहा है एंड 2-3 दिन के अंदर हम लोग को ऑफिशियली भी पता चल जाएगा कि हाँ एएफसी कप होने वाला है। एंड एटीके मोहन बगान के जो मैचेस है वो है 18th, 21st, and 24th अगस्त को, एंड बेंगलुरु एफसी का जो मैच है वो 15th अगस्त को। हम लोग को पता है उनको पहले क्वालिफायर मैच खेलना है। एंड एक और मैं चीज बता देता हूं कि अगर एटीके मोहन बगान ग्रुप स्टेजेस में जो 3 मैचेस है वो जीत जाते एंड बेंगलुरु सी ग्रुप स्टेजेस में 2 मैचेस जीतते तो इंडिया को एक और स्पॉट मिल जाएगा फॉर द एएफसी चैंपियंस लीग। एंड तब अगर एटीके मोहन बगान एएफसी कप जीतते या फिर बेंगलुरु एफसी एएफसी कप जीतते तो वो एएफसी चैंपियंस लीग खेल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट का थोड़ा सा इश्यू है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा सही चीज है एंड उम्मीद करते हैं एटीके मोहन बगान एंड बेंगलुरु एफसी का परफॉर्मेंस एएफसी कप में अच्छा हो। सुरक्षित तौर केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से, तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने ऑलमोस्ट साइनिंग कंप्लीट कर लिया फरहान हसानी का। एंड उन्होंने फरहान हसानी को काफी ज्यादा बढ़िया ऑफर भेजा था। एंड फरहान हसानी एक नॉर्थ मैसेडोनिया के प्लेयर है एंड करेंटली ही इज अ फ्री एजेंट। कल ही एक्चुअली उन्होंने अपने प्रीवियस क्लब के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया एंड बेसिकली करेंटली उनके पास कोई क्लब नहीं है। एंड केरला ब्लास्टर्स एफसी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आगे है उनका साइनिंग कंप्लीट करने के लिए एंड ऑलमोस्ट हो चुका है ये चीज। एंड फरहान हसानी एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर, इनका एज 31, इन्होंने अल रायद एंड वुल्फ्सबर्ग जैसे क्लब्स में खेला है। एंड इनका परफॉर्मेंस अगर हम लोग लास्ट सीजन को ना देखे, उससे पहले अगर हम लोग देखे 2019-20 का अगर हम लोग सीजन देखे तो बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस रहा है फरहान हसानी का। लास्ट सीजन उनको उतना प्ले टाइम भी नहीं मिला है एंड नॉर्थ मैसेडोनिया के नेशनल टीम में उन्होंने काफी मैच खेला है एंड एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मेरे सबसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया साइनिंग होगा ये केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए एंड उम्मीद करते कि साइनिंग केरला ब्लास्टर्स एफसी कंप्लीट कर ले। सुरक्षित तौर पर इगोर स्टिमैक की तरफ से, तो मुझे पता है इस न्यूज के बाद दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाएंगे। तो बेसिकली इगोर स्टिमैक को एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया जाएगा एंड इगोर स्टिमैक एक और साल इंडियन नेशनल टीम के कोच रहेंगे। एंड बेसिकली एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए उनको एज अ कोच रखा जाएगा एंड उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, बट बेसिकली अभी तक तो यही चीज है एंड मैं सबसे अच्छा डिसीजन, क्योंकि अगेन मैं मानता हूं ठीक है इगोर स्टिमैक के अंडर इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, बट इगोर स्टिमैक का जो प्लेइंग स्टाइल है वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। एंड ऑफकोर्स इगोर स्टिमैक से बेटर कोचेस है इंटरनेशनल फुटबॉल में, नो डाउट, बट अगेन इंडिया के लिए मेरे हिसाब से इगोर स्टिमैक काफी एक अच्छे कोच है, क्योंकि उनका जो प्लेइंग स्टाइल है कि थोड़ा सा पोजिशनल फुटबॉल खेलना, क्योंकि डिफेंसिव फुटबॉल खेल के आप
टू अ सर्टेन लेवल अचीव कर सकते हो, बट इंटरनेशनल लेवल में आप पोजिशनल फुटबॉल ही फ्यूचर है। एंड मेरे हिसाब से इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है कि पोजिशनल फुटबॉल जो टीम ज्यादा बढ़िया खेलता है उनका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। एंड मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ गोष्टी मैक को रखा जाए करेली इंटरनेशनल टीम का कोच, एंड एटलीस्ट एक और साल उनको दिया जाए, एंड अगर उसके बाद चीजें वर्कआउट नहीं करते तो तब उनको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक और साल वो डिजर्व करते। बाय द वे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में आपके क्या थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। सिलेक्शन बैंगलेसी की तरफ से, तो बैंगलेसी ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया हरमनप्रीत सिंह का, एंड हरमनप्रीत सिंह जो कि 19 ईयर ओल्ड सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है, उन्होंने बैंगलेसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एंड मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग बैंगलेसी के लिए। मैं मानता हूं हरमनप्रीत सिंह का परफॉर्मेंस लास्ट सीजन खराब था, एंड मैंने खुद बोला है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था, एंड उनको एज अ फर्स्ट 11 प्लेयर मेरे हिसाब से खिलाना ईस्ट बंगाल का ये बहुत ही गलत डिसीजन था। इससे अच्छा जेजे को ही खिला देते मेरे हिसाब से, अगर जेजे को थोड़ा सा मैच टाइम मिलता तो वो फिर से अपने फॉर्म में वापस आ सकते थे, बट उन्होंने हरमनप्रीत सिंह को चांस देना ज्यादा बेटर समझा। एंड यू नो एज अ वेरी यंग प्लेयर ये बहुत हार्ड होता है ऐसे कॉम्पिटेटिव लीग्स में खेलना एंड चीजों को प्रॉपरली समझना, एंड उनका ये फर्स्ट टाइम था आईएसएल में, एंड वो भी ईस्ट बंगाल जैसे टीम में जो कि टीम भी प्रॉपरली सेट नहीं था, तो मेरे हिसाब से हाँ उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन डाल दिया गया था कि उनसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन था ईस्ट बंगाल का, एंड मेरे हिसाब से ये प्रेशर लेना बहुत टफ होता है। बट आप बैंगलेसी में उनको डेफिनेटली एज अ सब्स्टिट्यूट एंड एज अ रिजर्व ही रखा जाएगा, ये बहुत लोगों का थिंकिंग है कि बैंगलेसी जिस लेवल का साइनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, एंड सिर्फ बैंगलेसी नहीं दूसरे क्लब्स भी जिस टाइप का साइनिंग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, एक रिजर्व लीग होना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे प्लेयर्स को प्रॉपरली मौका मिले। एंड मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कि हाँ एक रिजर्व लीग होना, जो कि सुनील छेत्री ने भी बोला है कि एक रिजर्व लीग होना बहुत बहुत ही जरूरी है इंडियन फुटबॉल को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर वे में, तो मेरे हिसाब से हाँ होना चाहिए, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग है ये बैंगलेसी के लिए। सुरक्षित तरफ एफसी गोवा की तरफ से, तो ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो चुका है, मतलब सिर्फ एक ऑफिशियल कंफर्मेशन का ही दे रही है, तो एफसी गोवा फिर से अपने होम ग्राउंड्स में ही खेलेंगे आईएसएल 8, एंड गोवा होस्ट करेंगे आईएसएल सीजन 8। एंड इसका जो मेन रीजन है कि लास्ट सीजन एक तो गोवा में बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज होस्ट हो चुका था, एंड लास्ट टाइम भी सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था, बट फिर भी हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज किया था गोवा फुटबॉल फेडरेशन ने, एंड इसी के कारण फिर से एफएसडीएल एंड एएफएफ दोनों ने गोवा फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर वो कॉन्फिडेंस दिखाया। एंड एक तो गोवा में करने का एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि स्टेडियम्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड है गोवा में, एंड फैसिलिटीज वहां पे पूरा मिल जाएगा। मानता हूं लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, बट वो गेम से रिलेटेड नहीं था, वो था ये फॉरेन कंपनीज के बसेस इन सब से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी एक्सपेक्ट कर दिया था कि ये सब पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड कोई भी क्लब एंड मोमेंट में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेगा। बड़ा उस चीज के बारे में अभी हम लोग उतना डिटेल्स में बात नहीं करते, बट बेसिकली 19th ऑफ नवंबर से आईएसएल सीजन 8 शुरू होगा, एंड इस बार भी आईएसएल सीजन 8 गोवा में ही होगा, बट हाँ इस बार इसी गोवा का जो होम स्टेडियम है वो फतोरदा नहीं होगा, बैम्बोलिम होगा, एंड देखते कि आईएसएल सीजन 8 में किस टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सिलेक्शन इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में जो मैनचेस्टर सिटी, तो मैनचेस्टर सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर कर दिया है रियाद महरेस को, एंड रियाद महरेस बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, लास्ट सीजन में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, एंड रियाद महरेस को अपने पोजीशन के लिए काफी फाइट तो करना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप मैनचेस्टर सिटी में हो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आपको फ्री में एक पोजीशन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइट फॉर योर पोजीशन, क्योंकि एक से एक अच्छे प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी में, एंड रियाद महरेस मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा ये मैनचेस्टर सिटी के लिए। सुरक्षित जुवेंटस की तरफ से, तो जुवेंटस ने रिसेंटली गैब्रियल जीसस को लेके कुछ बातचीत शुरू कर दिया है, एंड हो सकता है कि गैब्रियल जीसस मैनचेस्टर सिटी छोड़कर जुवेंटस में चले जाए, बट हाँ करेंटली अभी बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में यह डील, अभी करेंटली जुवेंटस के मैनेजमेंट के अंदर ही बात चल रहा है, एंड उन्होंने गैब्रियल जीसस का जो ट्रांसफर फी है वो मांगा है कि कितना ट्रांसफर फी मैनचेस्टर सिटी डिमांड करेंगे, एंड उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि क्या हम लोग हाँ गैब्रियल जीसस को अपने टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि नो डाउट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है गैब्रियल जीसस, एक काफी बढ़िया स्किल है उनके पास,
एंड मैनचेस्टर सिटी में उनको कभी कभी मौका मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। वैसे भी उस पोजीशन में ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी के पास एक से एक बढ़िया प्लेयर्स है, तो उनको मौका मिलना भी थोड़ा सा टफ है। एंड जैसा कि मैंने बोला है, मैनचेस्टर सिटी में कोई भी प्लेयर को इजीली चांस नहीं मिलेगा, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। एंड गैब्रियल जीज में सबसे अगर वो जुवेंटस में जाते तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक तो जुवेंटस में अगर वो जाते तो उनको फर्स्ट इलेवन में हर मैच में मौका मिल सकता है अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। सर देखते हैं क्या गैब्रियल जीज जुवेंटस में जाते हैं नहीं। सो अब बात करते हैं दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई के बारे में। तो इंडिया ने बहुत ही इजिली हंसते खेलते श्रीलंका को हरा दिया है, एंड बहुत ही एक बढ़िया गेम इंडिया के लिए। एंड इंडिया का ओके डेफिनेटली पृथ्वी शॉ एक काफी दमदार इनिंग्स, एंड डेफिनेटली शिखर धवन ने बहुत अच्छा खेला है नो डाउट, एंड एज अ कैप्टन उन्होंने एक काफी ज्यादा बढ़िया इनिंग्स खेला है एंड टीम को प्रॉपरली गाइड किया है। एंड बॉलिंग में भी इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छा बॉलिंग किया है, एंड यू नो एक्सपेक्टेशन कुछ था भी नहीं ज्यादा श्रीलंका नेशनल टीम से, बड़ा श्रीलंका के कुछ बैट्समैन ने अच्छा बैटिंग किया है, बड़ा ओवरऑल ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इंडिया ये मैच हार जाएंगे। एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर विनिंग द फर्स्ट ओडीआई, एंड उम्मीद करते कि इंडिया नेक्स्ट जो ओडीआई है वो भी जीते। सुरक्षित है टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ से। तो अब थोड़े से यू नो टोक्यो ओलंपिक्स का कंडीशन उतना अच्छा है नहीं, एंड टोक्यो ओलंपिक्स में तीन एथलीट्स को पॉजिटिव पाया गया, एंड उसमें से दो टोक्यो ओलंपिक्स के जो ओलंपिक विलेज होता है उसमें थे। एंड अब एज बिकॉज यू नो वो ओलंपिक विलेज में थे तो उनके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग थे सबको क्वारंटीन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, एंड इसी के कारण बहुत सारे लोग टोक्यो में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अगर एक साल ओलंपिक्स नहीं होता तो क्या बहुत कुछ बड़ा लॉस हो जाएगा, मतलब ह्यूमन लाइफ से ज्यादा बड़ा है टोक्यो ओलंपिक्स। तो हाँ अभी यू नो इस चीजों को मेरे हिसाब से ओलंपिक कमेटी को सोचना चाहिए, अभी भी मेरे हिसाब से बहुत देर नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, बट अगेन एथलीट्स का लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल होता है, एंड अभी लोगों को भी समझ में आ रहा है कि क्यों टोक्यो में इतने सारे लोग इस चीजों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि चाहे जितना भी सिक्योरिटी लगा लो ओलंपिक्स में भीड़ बहुत होता है, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है ओलंपिक्स में, एंड इसी के कारण कहीं ना कहीं लोगों में एक अभी भी डर है कि पता नहीं क्या होगा टोक्यो में। बट जो भी उम्मीद करते हैं हर चीज सही हो जाए, एंड देखते कि क्या फाइनली टोक्यो ओलंपिक्स होता है नहीं। सो बस गाइस आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन पे क्लिक कमेंट कीजिए, हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मैं दगने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।